मोहल्ला दुर्गेश नगर में पेयजल और सड़क की समस्या को लेकर लोगों ने आज नगर निगम में हंगामा काटा। स्थानीय लोगों की माने तो बरसों से पेयजल समस्या से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान होता नजर नहीं आ रहा। दुर्गेश नगर वार्ड नंबर 47 कलावती स्कूल के पीछे बाला क्षेत्र किशन नगर से जुड़ी हुई गलियों से नाली खरंजे बिछाने का टेंडर हुआ, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए नगर निगम में हंगामा किया, जमकर विरोध दर्ज कराया, महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि महापौर और अधिकारी इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे। मुस्लिम आबादी होने के कारण यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। लुधा लाला राय गांधी कांग्रेस कमेटी का पीसी सदस्य उत्तर प्रदेश। सर ये है 2013 में इस दुर्गेश नगर की गलियों का किशन नगर का टेंडर उठा था, 1 करोड़ रुपए का करीब का उठा है, कोई सुनवाई नहीं हुई, टेंडर उठ गया, वर्कर ऑर्डर भी कट गए। उसके बाद में आज दिन करते रहे ये लोग, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज से हम 2 महीने पहले भी नगर पालिका आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अब काम लग जाएगा, तो केवल मट्टी डल गई, वो भी थोड़ी बहुत मट्टी डली और कोई काम नहीं लगा। और जिसका ठेकेदार का भैया ठेकेदार है, जो है मेंबर का भैया ठेकेदार है, मेंबर वहाँ का काम लगाना नहीं चाहता है। क्यों लगाना नहीं चाहता? जो उसको कमीशन के चक्कर में लग गया है वो। हम मेयर साहब के पास कई बार है, मेयर साहब हमें मिली नहीं है, और मेयर साहब के हमने कई बार फोन से संपर्क किया है तो मेयर साहब ने कहती हैं आज आए लग जाएगा काम, कल काम लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेयर साहब भी ठेकेदार से मिली हैं, वो कमीशन के चक्कर में, इस चक्कर में काम नहीं लग रहा है। लेकिन हम उनको कहते हैं अगर कल काम नहीं लगा तो कल हम जाम लगा देंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। मेयर साहिबा तमाम समाचार पत्रों से सोशल मीडिया पे पता लगता है, और मेयर साहिबा कहती हैं सोशल मीडिया पे कि हम काम बहुत कर रहे हैं लेकिन विपक्षी बदनाम कर रहे हैं, तो क्या पूरा माजरा है? जे कहती हैं काम कर रहे हैं, केवल भाजपा वालों का काम कर रही होंगी, ये इनके सपोर्ट में जो पैसे वाले हैं भाजपा के लोग, उनके घर का काम कर रही होंगी। ये जनता गरीब का, और जो लोग सड़क की जरूरत है, पानी की जरूरत है, मानी जा रही है। कब से मेयर आपको नगर निगम में नहीं दिखे? मुझे 15-20 दिनों का चक्कर लगाते अभी तक नहीं आ रही है यहाँ पे। ऑफिस में नहीं बैठ रही हैं। 47 का की समस्या है, जिसमें 2015 में वहाँ का टेंडर उठा था, उसके बाद 3 साल से वहाँ की जनता पानी बिजली और सड़क के लिए बेहद परेशान है। ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना सड़कों की, ना खरंजों की। क्या कारण है उसका टेंडर उठने के बाद भी काम नहीं हो पाया? ये नगर निगम वाले बताएंगे, आश्वासन दिए जाते हैं, कोरे आश्वासन दिए जाते हैं, नगर मेयर महोदय वो बैठती नहीं है यहाँ पर। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है बदले की भावना से कर रही है नगर निगम। बदले की भावना से नगर निगम काम बिल्कुल काम कर रही है। आप पूरा शहर देखिएगा, पूरी नई आबादी देखिएगा, जहाँ जहाँ पूरी नई आबादी में आप जाइएगा देखिएगा कितना विकास हो रहा है। अगर सिर्फ सोशल मीडिया पर और साक्षात्ों में ही दिखता है विकास, वरना कहीं कोई विकास नहीं है। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे आगे? फिर जनता आंदोलन करेगी, उग्र होगी फिर तो। जनता को उसमें ना पानी चाहिए, जनता को बिजली चाहिए। क्या है मामला पूरा? हमें पानी चाहिए और सड़क चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे पानी में मर रहे हैं। गंदे छोड़ दीजिए, पानी नहीं चाहिए, सड़क नहीं तो गंदे छोड़ो। हो गए, हम बहुत परेशान हैं। क्यों बार यहाँ पे आ चुके, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही है। चाहिए हमें, हमारे सास की टांग टूट चुकी है, उन्हें 6 महीने हो गए टांग टूट गए, वो चलने फिरने से भेज जा रहे हैं। बस हम क्या ही बार आ रहे, हमारा भाई सुनवाई हुई नहीं है। सुनवाई नहीं है। अगर अच्छी से सुनवाई नहीं होगी तो हम रोड पे जाम लगाएंगे।